हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? वेलकम बैक। मैं चाना डन, मैं हूँ सारिका। वैसे आज है थर्सडे, तो एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट से मैंने कहा कि चलो आज के बाद जो डेली के ब्लॉग है वो कंटिन्यू अभी स्टार्ट करूँगी, मतलब अपलोड करूँगी एंड आप लोगों से बात करूँगी, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए, वैसे फिलहाल तो अभी तो मैं गाँव में हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं। बाई चांस हम लोग गाँव में आए थे, बट वो भी बहुत ही फ़ायदे का हो गए। कभी कभी यू नो होता है कि हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो नहीं सोचते वो होता है। जैसे कि स्वरा के कपड़ों के बारे में आप तो जानते हैं, अभी स्वरा के सारे कपड़े मतलब खराब होने को आए हैं, तो उसके लिए नए कपड़े लेना ज़रूरी है। बट नए तो ले नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन जो चल रहा है, तो सारे जो शॉप है तो वो बंद है। बट उसके जो भी मतलब पहले पुराने वाले कपड़े थे ना, वो मैं यहाँ पे एक बैग भर के रख के गई थी, बट उसमें से कुछ गिने चुने दो तीन है ड्रेस, तो वो उसको आ रहे, तो वही मैं उसको पहना रही हूँ अभी। तो कैसे है आप लोग? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और कैसे जा रहे हैं आपके लॉकडाउन के दिन? घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम एंड सेफ योर लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, गला खराब मतलब कभी कभी बात करते हुए ना सुबह कहते हैं ना कि थोड़ा सा गला सूख जाता है, तो कुछ वैसा हो रहा है। चलिए करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत एंड आज के ब्लॉग का स्टार्ट। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हे गाइस, तो अभी बजे सुबह के 9 एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा घर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्वरा थोड़ा सा सो रही थी, तो मैंने इसलिए ब्लैंकेट वगैरह ये चादर नहीं निकाले थे। तो अभी मेरे पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो अभी मैं पूरा घर यानी कि हॉल साफ़ कर दूँगी, और फिर चलिए बाद में मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, और आप लोग इन्जॉय कीजिए आज स्वरा की मस्ती। वैसे मैंने स्वरा की मस्ती छोटी सी शूट की है आज उसे उसकी, तो चलिए। कैसे है आप सब लोग? आपके लॉकडाउन के दिन कैसे जा रहे हैं? आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई नो सबके यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की कोई कमी हो रही है, बट धैर्य रखना यानी कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब लोगों को, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हम सबकी भलाई के लिए हो रहा है। और सैनिटाइज़र जो है वो बहुत सारे मार्केट में डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो प्लीज़ सैनिटाइज़र वगैरह जो कुछ भी है तो वो आप लोग अच्छे से मतलब उसे ध्यान से लीजिए, अच्छी क्वालिटी के लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी सफाई जो है वो हो रही है, तो ये अभी पूरा चादर वगैरह निकालने के बाद मैं फिर बाद में ये पूरा रूम जो है वो साफ़ कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाप रे, इतना ज़्यादा तीखा लगा है कि क्या बताऊँ आपको। जैसे कि मैं आपको खिचड़ी के बारे में बता रही हूँ, जी हाँ, क्योंकि हमारे खेत की जो मिर्ची है ना वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत बहुत ज़्यादा, जो मैंने अभी ऐड की है ना, तो वो वाली बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो इसीलिए मैंने खरड़ा की जो रेसिपी है, मतलब मेरी एक जर्मनी की फ्रेंड है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप यू नो खरड़ा की रेसिपी शेयर कीजिए, तो वही मैं करना चाहती हूँ। बट मार्केट से मिर्ची हम लोग नहीं ला रहे, और यहाँ पे मिल भी नहीं रही है वो जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इसका अगर मैं खरड़ा बनाऊँगी ना, तो नाक कान से पूरा धुआं निकल जाएगा, इतना ज़्यादा तीखा है। अगर थोड़ा सा भी बनाऊँगी और उसमें पीनट्स पाउडर भी ढेर सारा डालूँगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि खरड़ा जो होता है ना, खरड़ा रेसिपी, उसमें सिर्फ गार्लिक जाता है और क्या बोलते हैं उसको, नमक, सिर्फ नमक एंड गार्लिक, यानी कि लहसुन एंड नमक सिर्फ उतना ही होता है, एंड मिर्ची बस। उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें स्मैश करना पड़ता है, तो इसीलिए उसको बोलते ही खरड़ा।
तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ। आज है फास्ट, स्वरा की मस्ती चल रही है। स्वरा मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो ऐसे ही हम लोगों के लॉकडाउन के दिन कुछ जा रहे, तो आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लॉकडाउन के दिन है, कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर की हर चीज़ों का खास करके साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। और सैनिटाइज़र ना हो तो घर में जो भी अवेलेबल साबुन हो, हैंड वॉश हो, उससे हैंड जब भी घर से बाहर आओ तो हैंड वॉश कीजिए। और क्या कहूँ, सेफ रहिए। वैसे तो आप लोग सब बहुत ही अच्छे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिर्ची किस किस को पसंद है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ये तीखी वाली मिर्ची मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे फ़िलहाल मेरी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है, तो मैं एंजॉय करती हूँ मेरी खिचड़ी। और ये साइड में मेरी देवरानी है, उससे मैं बात करते करते खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं स्वरा के पापा के लिए खिचड़ी दे दूँगी थोड़ी सी, फिर मैं पहले जाएंगी सबसे पहले भगवान के लिए, फिर बन दूँगी मैं स्वरा के पापा के लिए, फिर मैं अपने लिए दूँगी थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का कुछ इस तरह से ब्लॉग। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के डेली के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपके सबके फैमिली फ्रेंड में या फिर रिलेटिव में सब में ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी वीडियो एंजॉय करने के बदले आपको विलेज की लाइफस्टाइल कैसे लगती है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेती आऊँगी और आपको गांव की खूबसूरती भी दिखाऊँगी। फिलहाल अभी मैं लेती हूँ विदा और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, दिल देन, बाय 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 फ्रेंड्स। खिचड़ी किस किस को अच्छी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय। तुझा सर कहता है कि लतुर है क्या? नहीं, ये देखो ये स्वरा है। क्या कर रही है स्वरा? हाँ, का 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 पाई पड़ा ले। ये देखो स्वरा, उसके पैरों में गर्मी लग रही है, चटके लग रहे, तो सैंडल पहनने को गई है। आता खर न गर्म लगते, आता खल न गर्म लगते, चटके चट चट चट। कौन है? ये देखो, ये एक मेरे पास है, ये देखो, ये देखो, इसको जाने के बाद जल्दी मैं पकड़ के रखती हूँ।